एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे BBMQ के यूएस सेमेस्टर वन सेशन 22-26 में आप सभी बच्चे अपने रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो रिजल्ट संबंधी देखिए कुछ बातें जारी हुई है और सेमेस्टर 2 का आपका एडमिशन होने वाला है, इससे संबंधी कुछ नोटिस आए हैं, तो ये सारे के सारी बातें आपको क्लियर करूंगा। और साथ ही साथ जो भी बच्चे यूएस सेमेस्टर 5 में पढ़ते हैं तो उनका आपका एडमिट कार्ड आप सभी बच्चों का कब तक मिल जाएगा, ये सारी बातें इस वीडियो में बताई जाएगी। तो आप सही बच्चे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे यू सेमेस्टर 5 में, उनके एडमिट कार्ड संबंधी पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं आप सभी बच्चे जो भी यू सेमेस्टर 1 में, उनको मन को डाउट क्लियर करता चलूंगा। सबसे पहले तो यू सेमेस्टर 5 के देखिए जो भी विद्यार्थी हैं वो अपना एग्जाम सेंटर तो देख लिए होंगे। आपका एग्जाम सेंटर कल रात में जारी कर दिया गया था, जैसा कि मैंने बताया था, SNT का PKR और PKR का SNT, एस जो पढ़ता है, RS मोड कॉलेज का KGM का निरसा, KGM वालों का ऐसे पढ़ता है। तो वही देखिए यहाँ रूटीन आप लोग देख सकते हैं। जो बच्चे को देखिए रूटीन नहीं मिला तो स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। आपसे बच्चों की 11 तारीख से परीक्षा स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये पूरा लिस्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर देख सकते हैं, या फिर आप सभी बच्चे इस वीडियो का इस फोटो स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा इस वीडियो में, तो आप लोगों को सारा का सारा यहाँ मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं देखिए जो भी बच्चे हुई सेमेस्टर 5 में, उनका देखिए एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड है वो कब तक उनको मिल जाएगा। तो देखिए एडमिट कार्ड आज मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज या फिर कल, उम्मीद है कल दोपहर तक आप सभी बच्चों का एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आप सभी बच्चों का देखिए जो भी एडमिट कार्ड है, बाई चांस कोई गलती है तो जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी जाइएगा, क्योंकि यहाँ से कुछ सुधरने वाला नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए तो कोई फायदा नहीं होने वाला, इससे अच्छा यूनिवर्सिटी दौड़िएगा तो वहाँ से आपका जल्द से ठीक हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम कुछ ना कुछ से गड़बड़ी यूनिवर्सिटी करता ही है, चाहे एक बच्चा होगा दो बच्चा, नहीं होगा तो गलती सी रख लीजिएगा। तो किसी की गलती आता है एडमिट कार्ड में तो सीधा आपको यूनिवर्सिटी दौड़ना, ये बात याद रखिएगा। जैसे जारी होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, या फिर आप सभी बच्चे जो सोशल मीडिया के माध्यम जुड़े हुए उनका अपडेट हो ही जाता है, ठीक है। तो चलिए जो भी बच्चे सेमेस्टर 5 में, उनका अपडेट क्लियर होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं देखिए जो भी बच्चे यूएस सेमेस्टर 1 में, उनके बारे में। तो आप सभी बच्चों को मैं एक फोटो दिखाना चाह रहा हूँ, आप देखिए जरा सही है। सेमेस्टर 2 22-26 सेशन के लिए पढ़ सकते हैं कि सूचित किया जाता है कि सेमेस्टर 2 22-26 सेशन जो भी बच्चे, कौन सा कॉलेज देखिए, यह है RBS कॉलेज जास बोकारो, ठीक है। ये RBS कॉलेज का है, बाकी किसी अदर कॉलेज का नहीं बता रहा हूँ, पहले समझ लीजिए बात को। यहाँ पर बोल दिया गया है कि दिनांक 27/3 से लेकर 7 तारीख तक डेट दिया गया है, और ये नोटिस मेरे पास देखिए अभी फिलहाल वर्तमान में मुझे मिला, इसलिए मैंने आपसे बच्चों को बताने की कोशिश की है कि 27 तारीख से लेकर यहाँ 7 तारीख तक यहाँ पर एडमिशन चालू किया गया। इस स्थिति के बाद देखिए यहाँ 500 रुपये विलंब दंड करने से नामांकन की अनुमति दी जाएगी, मतलब 500 रुपये एक्स्ट्रा फी देना पड़ेगा तो ही आपका एडमिशन हो सकता है, जो भी RBS कॉलेज चास के स्टूडेंट है। अब आप लोग बोलिए इसे हमें क्या है, हमारा क्या मतलब है। देखिए बता देता हूँ, आप सभी बच्चे भी यू सेमेस्टर 1 में एग्जामिशन दे लिए, ये बच्चे भी यू सेमेस्टर 1 में एग्जामिशन दिए। अगर बायचांस, मैं बायचांस की बात बोल रहा हूँ, कोई बच्चा अगर यू सेमेस्टर 1 में अगर फेल हो जाता है, ये मैं बाई चांस की बात बोल रहा हूँ कि कोई हो सकता है हो जाए, तो उस सब बच्चे का यू सेमेस्टर 2 का एडमिशन का जो पैसा जो आप लोग जमा करिएगा, क्या वो उसको रिटर्न मिलेगा, क्या आप लोग सोचें। देखिए जो भी हमारे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो भी प्राइवेट कॉलेज या फिर एफिलेटेड कॉलेज, जो अभी हाल ही मान्यता प्राप्त कॉलेज, उन कॉलेजों में यू सेमेस्टर 2 का एडमिशन करवा लिया जाएगा, चाहे KGM कॉलेज नरसा बोलिए और मुझे कॉलेज के नाम अभी याद नहीं आ रहा, जैसे ये RBS कॉलेज चास हो गया, यहाँ सारा का सारा प्राइवेट कॉलेज या फिर एफिलेटेड कॉलेज, प्राइवेट नहीं बोल सकते, एफिलेटेड कॉलेज बोलिए, उन कॉलेजों में देखिए सारा का सारा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा लिया जाएगा, चाहे आपका रिजल्ट आए चाहे ना, उससे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हर बार का नियम, आज का नियम। तो आप सभी बच्चे देखिए जो भी सेमेस्टर 1 में जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, देखिए जिनका अभी देखना, जितना भी गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे RS मोड कॉलेज हो गया, PK रॉय, SNT कॉलेज, RSP कॉलेज एरिया, ये सब देखिए गवर्नमेंट कॉलेज, इन सभी का देखिए अभी तक नोटिफिकेशन नहीं जारी किया, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक इनका नोटिफिकेशन, लेकिन जो भी प्राइवेट या फिर कह सकते हैं मान्यता प्राप्त जो भी कॉलेज है उनका एडमिशन शुरू हो जाएगा। तो आप सही बच्चे थोड़ा सा अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट बनाए रखिएगा कि कब आपको नोटिस, क्योंकि देखिए ये वाला नोटिस जो है मुझे आज प्राप्त हो, सोच लीजिए उतना दिन आया लेकिन अभी तक ये मुझे भी नहीं मिला, तो मैं आपको कहाँ से बता देता। तो जो भी RBS कॉलेज है अपना एडमिशन करा लीजिएगा। अब बात है कि क्या देखिए बिना रिजल्ट के एडमिशन संभव है, एडमिशन हाँ भैया ये हो सकता है, ये हमारे यूनिवर्सिटी यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ एडमिशन क्या है। तो आप सभी बच्चे देखिए जिनका भी एडमिशन हो रहा है एडमिशन करा लीजिए, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी बात रिजल्ट का तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि आप सभी बच्चों जो रिजल्ट है वो इस कह सकते हैं नेक्स्ट वीक में तो आपका जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी का एग्जामिशन कंडक्ट कराना है मई में तो आपका रिजल्ट जारी करना पड़ेगा, इंटरनल लेना पड़ेगा, सारा का सारा प्रोसेस है। और एक सभी आप सभी बच्चों को बता दूं कि आप सभी बच्चों को जो IRC पेपर है, ठीक है, IBC पेपर नहीं बोल रहा हूँ, IRC पेपर, इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स जिसे हम लोग जेनरिक पेपर नाम से जानते हैं, ये शायद आपका चेंज हो सकता है, क्योंकि बहुत से कॉलेजों में एडमिशन, जैसे SNT कॉलेज में सुनते मुझे सुनने मिल रहा है, वहाँ IRC पेपर अगर किसी बच्चे फिजिक्स था तो केमिस्ट्री दिया गया, तो ये बात सुनने में आ रहा है। तो आप सभी बच्चे एक बार अपने कॉलेज से श्योर कर लीजिएगा कि क्या आपका IRC पेपर चेक हो चेंज हुआ है, यानी अपने कॉलेज संपर्क करें, वहीं से पता चल पाएगा, क्योंकि क्लियर न्यूज अभी क्या है मुझे खुद भी नहीं पता। तो कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको शेयर जरूर कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।